नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए बहुत ही स्पेशल सब्जी की रेसिपी। आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी आज मैं। और जब भी सर्दियों की बात आती है, लहसुन और अदरक की से शुरुआत होती है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर लहसुन, अदरक, हरा धनिया, प्याज, आलू, हरी मिर्च, मटर और टमाटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप इसमें से अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है, गैस को ऑन कर देंगे। अब मैं इसमें तेल डालूंगी। यहाँ पर मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। एक चम्मच जीरा, थोड़े से मेथी दाने। तो यहाँ पर छूंक हो गया है हमारा, जीरे कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, अब इनको अच्छे से भून लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन को अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे। तो देखिए टमाटर भी हमारा भून गया है अच्छे से। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी बेसन। अब बेसन को अच्छे से भून लेना है और चलाते रहना है, नहीं तो बेसन नीचे हमारा तली में चिपक जाएगा। तो लगातार थोड़ा सा चलाते रहेंगे जब तक बेसन अच्छे से भून नहीं जाता। देखिए मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बेसन भी हमारा भून गया है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें आलू और मटर। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं वो, थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच ये गरम मसाला, एक चम्मच नमक। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी क्योंकि मुझे सब्जी पतली चाहिए, कुकर की सीटी भी आएगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी बनने के बाद। और हरा धनिया गरम मसाला मैं बनने के बाद ऐड करूंगी इसमें। गरम मसाला मैंने थोड़ा सा ऐड कर भी दिया है, लेकिन थोड़ा सा जो है मैं बनने के बाद भी ऐड कर दूंगी। तो पानी डाल देती हूँ। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, दो सीटी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, दो सीटी आने तक इसको पकाएंगे और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको सब्जी कैसी बनी है। तो दो सीटी आ गई है,
खोल के देखते हैं सब्जी कैसी बनी है। ये थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है और एक चम्मच गरम मसाला। अब धनिए को और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए हमारी सब्जी कुछ ऐसी बनके तैयार हुई है। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और इस सब्जी को आप चावल के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या रोटी के साथ, इनमें से किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं, साथ में देसी घी डालकर। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।